आपके ध्यान में रहे कि इलेक्ट्रिकल बसेस का मूल्य आम बस से 4 गुना ज्यादा होता है। HRTC का बेड़ा आज किस तरीके से चल रहा है, उसमें काम करने वाले एम्प्लाई, चाहे वो ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक, कोई भी है, उसको पहली तरीक को तनख्वाह नहीं मिलती, उसको पेंशन वाले को पेंशन नहीं मिलती, जो ओवर टाइम लगाता है उसको ओवर टाइम नहीं मिलता, लीव इन कैशमेंट नहीं मिलती, बीमारी के खर्चे के ऊपर उसके बिल क्लियर नहीं होते। आप उन परिस्थितियों में से HRTC को गुजार रहे हो और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि हमने इलेक्ट्रिकल बसें चलानी है। उसको बस को चलाने वाला दुखी है, बस चलेगी कैसे? और आपके ध्यान में यह भी रहे, जो डेटा आज की तारीख में आता है उस डेटे में आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आने वाले अगले 10 वर्षों में भी जिस प्रकार का डिमांड आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में है, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो पा रही है। आपके पास आज की तारीख में भी एक चार्जर के ऊपर 4000 बसों से ज्यादा का बोझ है, एक चार्जर के ऊपर जो आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश है। इसलिए मुगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह हमें इन बातों को नहीं सोचना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिकल बसेस लेनी है, लेकिन आप आज की तारीख में ये बोल रहे हैं कि हमने डीजल बंद ही कर देना, इलेक्ट्रिकल ले लेनी, कहां से ले लेनी आपने? ये जो झंडियां दिखा रहे हैं ना, जो हार पड़ रहे हैं, ये हमारे जमाने की है बसें सारी, इसका पैसा हम लोगों ने दिया हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है सुखू सरकार को व्यवहारिकता के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।